हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पगड़ी खबरें, अपराध पर कसकर चर्चा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 सिर्फ मेरे साथ। सर यहाँ पर पहले यहाँ से सेंटर से सुनील सर, यहाँ सर पहला कैमरा ये पहला अजय जी यही है वो लड़वाते सुनील सर कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से सुनील जी इधर, सुनील जी इधर सेंटर ये वाला पूछ यहाँ पे सर लाइट दो ना घर से लेके घर से सर यहाँ पर मैम जाओ सर जी यहाँ पर ओके थैंक यू सर लुकिए सर सर यहाँ से यहाँ से लाइट दो ना घर से लेके घर से लेके थैंक यू सर यहाँ पर थैंक यू
वे राजा अरे अजय जी लुक हियर राहुल सर मैम यहाँ पर मैम सिर्फ ये वाला कैमरा हाँ जी मैम मैम यहाँ पर मैम ये थैंक यू मैम लुक हियर मैम हियर मैम यहाँ पर को मिलेगा पीछे जाओ ओके अजय जी आ देखिए सेंटर सेंटर अजय भाई इधर देखिए सर सेंटर सेंटर सुनील नजर किधर है सुनील जी सेंटर राहुल को बुला लो अपने से राहुल जी इधर आओ बहुत ही अच्छा किरदार दोस्त मेरे पड़ोसी है और बहुत अच्छा लगे बहुत छुपा के लगा मुझसे बताया नहीं कि ये कर रहे नहीं तो मैं उनको और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने जो इन्होंने हमारे दोस्तों बहुत अच्छा है इसका भाई ने बहुत अच्छा काम किया और उनका जो ये डॉट बन किया है हम जो है हम इनके राइट लेफ्ट रहेंगे ये हमको इशारा करेंगे उसके बाद सारा काम अपने को करने का ऐसा अनंत भाई क्या कहना चाहेंगे ये घूमना पड़ेगा बस अरे बस ना अभी किशन का हाथ आएगा कितना चैलेंज रहा आप दोनों के बीच में कितना अजय जी आपको टक्कर दे रहे थे आप उनको टक्कर दे रहे थे कैसा रहा ऐसा नहीं है टक्कर की बात नहीं होती है बट जो भी वर्क हुआ तो टीम ने नहीं इसमें ये दिखाया जा रहा था बेस्ट विलन कौन उस स्क्रीन से पता चलेगा कौन बेस्ट विलन दिख सकता है आपके एक्टिंग में दम है जिसके अंदर कितना गुण है और कौन कैसे एक्टिंग कर सकता है ऐसे नहीं ही परफॉर्म्स वेरी वेल
सुन साउंड नहीं आ रहा है और दिल टूट गया लेकिन एम्बियंस ले रहा हूँ और जारी साल का तो वैसे भी उन्होंने बहुत सारे गाने बनाए हैं और मैं मुझे इनका म्यूजिक बहुत पसंद है और यहाँ पे हमारे दूसरे भाई राम भाई यहाँ इसमें मॉडलिंग कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं अच्छी बात है और आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस ऑन दिस वेंचर एंड आई ऑल्सो विश देम दैट दे मेक लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन फ्यूचर. गाने सुना आपने देखिए गाना इसमें फोक के ये बड़े माहिर खिलाड़ी हैं हमारे घर और उन्होंने बहुत कमाल का म्यूजिक दिया है. मैंने इनके और अगले गाने सुने हैं पहले कश्मीरी गाने बनाए और अब ये बॉलीवुड के भी गाने बनाए तो इन शाला आगे जाके आप देखेंगे मेरी फिल्म में गाने ये जरूर कम्पोज करेंगे. कश्मीर जो बात होती है कश्मीर का देखिए कश्मीर तो कश्मीर है और कश्मीर में सदियों से फिल्में बनती आ रही है. बहुत बड़े बड़े गाने हैं कश्मीर पे लिखे गए हैं कि ये वादी ये कश्मीर है. इतना बड़ा गाना पूरे कश्मीर में ही बना था और शमी कपूर जी ने इतनी फिल्में वहाँ की. इनफैक्ट राजेश खन्ना शमी कपूर अमिताभ बच्चन सारे जितने बड़े स्टार्स सब कश्मीर आज भी कश्मीर ही जाते हैं. सलमान खान भी वहीं शूटिंग कर रहे हैं और कश्मीर एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में बहुत सारे कवियों ने कविताएँ लिखी हैं म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक बनाया है और जो कि सूफी कल्चर है कश्मीर का और मुझे इस बात से बहुत इंतहा खुशी होती है कि जानसार साहब सूफी म्यूजिक में बड़ा विश्वास रखते हैं और बहुत प्रभावित है ये सूफी म्यूजिक से और कश्मीर अपने म्यूजिक के लिए जाना जाता है और हम बहुत जल्दी कश्मीर में एक बहुत बड़ा एक धमाकेदार प्रोग्राम करेंगे. मैं चाहता हूँ कश्मीर में हम कुछ म्यूजिक फेस्टिवल ऐसा करें तीन चार दिन और आप सबको हम वहाँ इन्वाइट करें. राजी की बात अगर करें तो राजी भी इसी कश्मीर पे ही भेजना आलिया भट्ट भी कश्मीर कई बार लोग जाने चाहिए और कश्मीरी लोगों से मिलकर अच्छा लगा अच्छी पहल है. कश्मीर में सबसे बड़ी बात होती है कश्मीरियत उसको कहते हैं. ये अलग ही एक रिलीजन है वहाँ और मैं हवाले से ये दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द कश्मीर एकदम माइंड ब्लोइंग उसी अवस्था में आ जाए जैसे और मैं सारे बॉलीवुड में या इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर उनसे बोलूँगा आ जाइए अपने कश्मीर की शूटिंग बहुत बढ़िया जगह एंड कश्मीर इज प्लेस दैट आई एम वेरी प्राउड. हाँ आपकी बात करें लेकिन अभी मेरी दास्तें रिलीज हुई है और अब मैं एक और फिल्म में मेरी चक्की जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट है उसमें प्रिया मापटा की और ये रीडर जो आजकल केस मार रहा है इसलिए कहें इसको और इसके बाद मेरी फिल्म रहेगी शूटिंग में ही और तीन चार फिल्में अब इस साल मेरे ख्याल से एक अपील की है जो सभी लोग अपना अपना वीडियो बना रहे पोस्ट कर रहे हैं. बहुत बढ़िया बात है हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही कदावर नेता है और उनका ये ना फिटनेस को लेकर या योगा को लेकर सफाई अभियान को लेकर तो मुझे लगता है हमें उसका खैर हम जो है हम कश्मीरी है एक्चुअली हम खाते रहते हैं बहुत हमारा बाजवान भी बड़ा मशहूर है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आधा घंटा कम से कम जॉगिंग जरूर करें मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट है. मैं एक घंटा करता हूँ.
शुभम शुभम एक्टिंग कभी नहीं कर रही हूं मैं जो गाने में खुद गाती हूं उसमें भी नहीं कर रही यार म्यूजिक अपना खुद का प्रोडक्शन है यार म्यूजिक स्टूडियो अपना खुद का चैनल है जिसमें हम अपने गाने सब रिलीज कर रहे हैं अपना म्यूजिक चैनल है सो जितने भी गाने अभी तक हमने बनाया है अभी वो आज हर गाने को हम दिखा रहे हैं पहले तो रिलीज भी नहीं किया आज रिलीज हुए थे साथ में सब प्रेजेंट करते हैं कश्मीरी कश्मीरी कभी कुछ ऐसा मालूम नहीं हमने सोचा है कि ये गाना बनता रहेगा हर लैंग्वेज के गाने हम अपने एयर म्यूजिक में प्रमोट करें क्योंकि हिंदी गाना सब सुनते हैं हम कश्मीरी गाना हो मैं अपना आसाम से गाना जो रिजनल लैंग्वेज के गाने हम चाह रहे हैं कि हम अपने चैनल पर चलते चलते हाल ही में अभी आपके गाना बहुत उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों को पता है दादा साहब ऐसे अवार्ड मिला मुझे बेस्ट वर्सटाइल सिंगर ऑफ द ईयर उस दिन मैं ऐसे शॉक में थी कि इतना अच्छा एक अवार्ड मिला मैं कुछ बोल नहीं पाई मैं खुद ही चली आई क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ स्टेज में मैंने कुछ नहीं बोला सो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे इतना बड़ा एक अवार्ड मिला इसके लिए मैं हर्ष जी को पूनम जी को अजय जी को पूरा टीम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ आज और जिस गाने की वजह से मेरा एक प्लेटफॉर्म आगे बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है वो अभी बहुत गा चुकी हूँ मैं नहीं गाऊंगी सो अभी मैं एक गाना ऐसे ही गुनगुना देती हूँ नैना हुए बाबरे सांबरे नैना हुए बस थोड़ा सा ही गुनगुना है कभी गाना यहाँ पे दिखाएंगे नीचे ले लो और आप लोग प्लीज दुआ कीजिएगा अपना यार म्यूजिक चैनल बहुत आगे बढ़े और अच्छा अच्छा गाना बनाए और आप लोगों को Wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. मिलते हैं संडे की दिन. Hello, hello. स्नेहा जी क्या कहना चाहेंगे और इस एल्बम और प्रेस की अगर बात करें तो क्या? और ये भी चला गया है तेरा पूरी वाइट खत्म. कैसे? तू बंद कर मिल गया. ये देगा किशन करेगा वो नहीं देगा मुझे बेचारा तू करेगा करने का झगड़ा ही करेगा ना सांस लेके बात किया पूरी सांस वाले भर लिया था पूरी बात चला दिया थी सांस लेके बात कर जेब मत काट किसी की चोर और मैं बहुत खुश हूँ आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी मैं एयर म्यूजिक प्राउड हूँ और ये एल्बम ने ये मैंने काफ़ी सारे इनके एल्बम किया जितना भी इनका एल्बम लॉन्च हुआ है अभी कुछ दिन पहले दुबई में किया था उनका भी पूरा डिज़ाइन किया और कश्मीरी का किया मैंने दो तीन गाने के बताए टीम को गाने को लेके या म्यूजिक को लेके किस प्रकार से कोलैबोरेशन रहा है जी एआर म्यूज़िक जो है अभी उन्होंने अपने कुछ एल्बम के गाने यहाँ पर हमें दिखाए और उसको सुन के ये लगता है कि एक आजकल का जो दौर है जहाँ पर विजुअल ज़्यादा आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं बजाय इसके कि हम कंटेंट को और गाने को महसूस करें सो इन दिस मोमेंट जहाँ पर इस तरह की चीज़ हो रही है वहाँ पर मुझे ये गाने सुनकर एक इस गाने में एक रूहानीपन है जो आप उसको अगर ना भी देखें तो सुन के आप अपने दिमाग में एक विजुअल पैदा कर सकते हैं कि गाना क्या है ये खूबसूरती आजकल कम देखने को मिलती है और जान भाई जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो कमाल के बेहद टैलेंटेड अपने आप में कलाकार भी हैं और उनके हर काम में मैंने देखा है कि कुछ एक स्पिरिचुअल टच रहता है तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एआर म्यूजिक बहुत अच्छा एक कदम लेके आगे बढ़े हैं अपनी कंपनी लगा के जहाँ पर गानों को आगे नए लोगों को मौका भी मिलेगा तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी फ्यूचर में हमारी बिबिया फिल्म्स मेरा प्रोडक्शन है जिसके अंदर हम कई सारी फिल्में करीबन 4 फिल्में हमारी है तो उसमें कुछ एक अलग तरीके का रूहानीपन और फिल्मों के अंदर एक अलग तरह की बात हमें चाहिए तो वो गानों पे जब जान भाई से हमारी बातचीत हुई और जो म्यूज़िक के ऊपर बात हुई
तो कमाल की बात ये थी कि वो पहली बार सुन के ही हमने उनके कुछ गाने सेलेक्ट किए हैं, और आने वाली फिल्मों में, सारी फिल्मों में जान भाई का काम एआर म्यूजिक के साथ हम जुड़े रहेंगे, और ये हमारी एक आपसे अंडरस्टैंडिंग भी है, और मैं चाहूँगा कि उनके साथ काम करूँ. थैंक यू वेरी मच. और आयरनी ये है कि मुझे हिंदी और आती हूँ, लेकिन मैंने कश्मीरी गाया है, और मेरे फ्रेंड्स जो कि कश्मीरी पार्ट था बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये गाना बहुत अच्छा है. इनफैक्ट जो ये है सारे गाने बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि यदि आपके शहर में आस पास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हैकिंग पर वीडियो से पूरी देख सकते हैं, और हमारे जी न्यूज हैकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच.